आई एम शुभीराज ठाकुर एंड आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है मैंने आप लोगों से कहा था कि आप पुष्कर जी के बारे में कुछ मेरे से सवाल पूछिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे एंड आप लोगों ने एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन मुझे दिए तो आज इस वीडियो के अंदर हम वो सवाल डायरेक्टली पुष्कर जी से पूछने वाले हैं कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि हाँ सर हमें इन क्वेश्चन का जवाब दीजिए कुछ टॉपिक्स पे लोगों को क्लैरिटी चाहिए थी जो आज पुष्कर जी खुद देने वाले हैं Right. तो uh, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी थी लाइक इट इट हैज़ बीन अ वेरी वंडरफुल जर्नी जैसे कि हम सब जानते हैं एंड आप सब लोग पुष्कर को इतना ज्यादा प्यार करते हैं सो आई वांट टू नो कि आपकी ये जर्नी जो आपने अपने काम की जर्नी आपकी लाइफ की जर्नी है ये हाउ हाउ इट हैज बीन सो so, इस सवाल का जवाब मैं वैसे कई बार दे चुका हूँ बट डेफिनेटली बहुत सारे नए दर्शक होते हैं जिन्हें जानना होता है सो आई स्टार्टेड माई बिज़नेस जर्नी जब मैं सत्रह साल का था सो एट द एज ऑफ सेवनटीन आई स्टार्टेड माई बिज़नेस जर्नी एंड उस वक्त मैंने जब शुरुआत करी थी तो मैं हमेशा से एक ड्रीमर भी रहा हूँ और एक uh, कह सकते हैं कि मेरा इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फास्ट रहा है तो ड्रीमर इन देंस लाइक दिस कि जब मैंने अपने ट्वेल्थ के एग्ज़ाम्स दिए थे तो बच्चे अपने टाइम को वेस्ट करते हैं जैसे उन्हें लगता है कि दो तीन महीने की हमारी छुट्टियां हैं उसके बाद हमारे कॉलेज शुरू होंगे उसके बाद सब कुछ होगा तो मुझे जैसे ही मैंने ट्वेल्थ पास ऑन करी तो मेरे मन में एक सवाल आया कि पुष्कर अब आगे क्या वॉट्स नेक्स्ट इन लाइफ वट यू हैव टू डू अब देख यार स्कूलिंग ओवर हो गई है ठीक है हम ग्रेजुएशन करेंगे उसके बाद आगे जो भी पढ़ाई करनी है हम करेंगे बट अभी इसके बाद यू हैव टू डू समथिंग जिससे तू तो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सके तो उस टाइम पे सबसे पहले मैंने अपने आप से सवाल पूछा मैं क्या क्या कर सकता हूँ वट ऑल कैन आई डू तो आंसर जाए मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ क्योंकि मैं नाइन्थ से लेकर ट्वेल्थ तक आ, ऐसी uh, इंडस्ट्री के अंदर रहा हूँ जहाँ पे मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स सीखी पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपना किया और नेटवर्क मार्केटिंग की भी, भी मैं सेमिनार्स में जाता था तो वहाँ से एक तो माइंड बहुत ब्रॉडन हुआ बहुत सारी चीज़ें मैंने लाइफ स्किल्स के बारे में सीखी और एक सिखाने का भी शौक था क्योंकि जब मैं जिस इंस्टीट्यूट्स में जाता था वहाँ पर जो मेरे ट्रेनर्स थे वो मुझे मौका देते थे mm -hmm. कि नाउ यू ट्रेन पीपल सो वहाँ पर मैंने ट्रेन द ट्रेनर के प्रोग्राम्स भी जब मैं स्कूल में था तभी मैंने करना शुरू कर दिए थे तो जब मैंने अपने आप से सवाल पूछा आंसर आया मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ तो मैंने सोचा कि मैं कैसे कैसे पढ़ा सकता हूँ मैं होम ट्यूशन दे सकता हूँ मैंने होम ट्यूशंस दिए बट होम ट्यूशन के बारे में जब मैं सोच भी रहा था तो मैंने कहा कुछ नही थोड़ा छोटा हो जाएगा कुछ करना तो बड़ा करना वॉट बिग कैन यू डू तो उस टाइम पे मेरे मन में आया मैं अपना इंस्टीट्यूट भी खोल सकता हूँ क्योंकि जब मैं इंस्टीट्यूट्स में जाता था वहाँ पे ट्रेनिंग लेता था ट्रेनिंग देता भी था तो एक इंस्टीट्यूट वाले माहौल का बिजनेस कैसे चलता है ट्रेनिंग कैसे दी जाती है इसका मुझे बहुत अच्छा आइडिया था तो मैंने अपने आप से जब ये सवाल पूछा कि कैन यू डू इट द आंसर वॉज यस यू कैन डू इट बट जब भी आप अपने आप से कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी करने के लिए कहते हैं जैसे एक सत्रह साल का बच्चा जिसने अभी ट्वेल्थ पास ऑन भी नहीं करी है रिजल्ट आना अभी टाइम लगेगा रिजल्ट आने में तो वो बच्चा कह रहा हैं मैं अपना इंस्टीट्यूट खोलूंगा तो ये अनकन्वेंशनल हो जाता है एंड कोई भी अगर अनकन्वेंशनल चीज़ होती है तो लोगों को लगता है कि पता नहीं पॉसिबिलिटी है नहीं है तो सबसे पहले मैंने अपने घर में डिस्कस किया वेल well, मेरी मम्मी को हमेशा से मुझ पर विश्वास था बट माई फादर टोल्ड की पागल हो गया अभी तो तूने खुद पढ़ाई नहीं पूरी करी हाउ हाउ विल यू डू इट बट एनी हाउ मैंने अपने फादर को कन्विंस किया कि पापा आई वॉन्ट टू डू इट वो थोड़े से खफा हुए मेरे से बट ही सपोर्टेड मी एट दी एंड मनाना पड़ा तो मैंने अपना पहला इंस्टीट्यूट खोला तो वहाँ से मैंने सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग्स देना शुरू किया एंड मेरे पास पहला बच्चा आया था मुझे याद है एंड mm. मैंने उससे फीस चार्ज नहीं करी थी मैंने कहा था आई एल ट्रेन यू फॉर फ्री बस उसने एक सौ रुपये का रजिस्ट्रेशन किया था हमारे इंस्टीट्यूट पे तो वो सौ रुपये की जो कमाई थी वो मेरी है ना वहाँ से पहली कमाई थी तो उस एक बच्चे पे मैंने इतना बढ़िया फोकस किया और मैंने उसे बोला देखो अगर आपको मेरी ट्रेनिंग अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी जाके जरूर बताना कि यहां पे ऐसी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं तो उसने कुछ ही दिनों में Uh, बताना शुरू कर दिया अपने फ्रेंड्स को कि यार मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ दिस इज द चेंजेस व आई एम गेटिंग तो उसने अपने चेंजेस के बारे में बताया अपनी जर्नी के बारे में बताया एंड फिर मेरे पास स्टूडेंट्स आना शुरू हो गए एंड उन्होंने भी यही किया माउथ पब्लिसिटी एंड मुझे वहाँ से समझ आया कि माउथ पब्लिसिटी एक बहुत अच्छी पब्लिसिटी रहती है एंड बहुत ही कम टाइम में आई गेट मोर देन हंड्रेड स्टूडेंट्स जस्ट बिकॉज आई वॉज डिफरेंट क्योंकि बाकी जितने भी लोग पढ़ाते थे सिखाते थे एग्जाम्पल अगर हम इंग्लिश की बात करें सो so, ऑल द अद इंस्टीट्यूट जो इंग्लिश पढ़ाते थे उस टाइम पर वो ग्रामर सिखाते थे टेंसिस सिखाते थे बट मेरा फोकस अलग होता था मैं स्पोकन इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान देता था तो मेरा फोकस होता था बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं बुलवाऊँ उनसे कॉम्यूनिकेट करवाऊँ आपस में इंट्रैक्ट करें जहाँ पर वो नहीं बोल पा रहे वहाँ पर मैं उनके कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में हेल्प करूँ सो माई टीचिंग वॉज अनकन्वेंशनल बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड कुछ ही महीने में जब बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए सो so, थोड़ा सा मैं फेमस होना शुरू हो गया बिकॉज मार्केट में क्या हुआ एक इंस्टीट्यूट खुला है मैं बता भी देता हूं मैंने जब स्टार्टिंग करी थी तो नियॉन ग्रुप के नाम से स्टार्टिंग करी थी तो नियॉन क्लासेस इतनी ज्यादा फेमस होनी शुरू हो गई कि लोग बोलने लगे नियॉन क्लासेस ऐसी क्लासेस हैं अगर कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है तो वहां जाओ एंड uh, लोग प्रमोट करते थे बाद में साथ में ये चीज़ भी ऐड करते थे वहां पर जो पढ़ाते हैं वो बहुत यंग है तो लोगों को एज वेज नहीं पता होती है बट ठीक है मैं इतना मेरे को सुनने में आता था कि वहाँ पे बहुत कम उम्र के ऐसे ट्रेनर हैं वो पढ़ाते हैं एंड उस टाइम पे डेफिनेटली उम्र भी बहुत कम थी पॉपुलैरिटी uh, मिली एंड पॉपुलरिटी में यू क्या था एक तो मेरा पढ़ाने का तरीका और दूसरा uh, मेरी एज मेरी एज हमेशा मेरे लिए एक एक्स फैक्टर रही है क्योंकि कम एज में आप कुछ भी बड़ा करते हो तो लोगों को ना वो बहुत अपीलिंग लगता है अब होता क्या है उसी टाइम से uh, क्योंकि देखो बच्चे मार्केट में हैं अब बहुत सारे बच्चे आपकी तरफ आ रहे हैं बहुत सारे बच्चे आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं hmm. तो कहीं ना कहीं दूसरे इंस्टीट्यूट से वो हमारी तरफ भी आ रहे हैं कहीं और भी जा सकते थे hmm. तो कुछ लोग जो बहुत टाइम से काम कर रहे थे उन्हें लगा पता नहीं यार ये क्या हो रहा है कहाँ बच्चे जा रहे हैं क्या हो रहा है किस तरीके से कर रहे हैं सो so, मेरा पहला फोकस होता था कि मैं स्पोकन इंग्लिश पे ध्यान दू उन्हें डेफिनेटली ग्रामर सिखाना है टेंसिल सिखाना है वो सेकेंडरी चीज होगी एंड देन आई हायर पीपल फॉर दैट मैंने कहा जी ग्रामर तो मेरे से अच्छी कोई और सिखा सकता है सो वाई नॉट टू गिव चांस टू दोज एजुकेटेड पीपल एंड उसके बाद मैंने हायरिंग शुरू करी अपने इंस्टीट्यूट में मेरे साथ मैंने ऑल ट्रेनर्स को किया एंड देन वी वर इन अकेडमिक्स मल्टीपल स्ट्रीम्स के अंदर हम पढ़ाते थे फिर मैंने uh, उस टाइम के बाद अपने फादर से कभी पैसे नहीं लिए कभी भी नहीं उस टाइम पे मैं uh, बच्चों से जो महीने का चार्ज करता था मैं वन थाउजेंड रुपीज चार्ज करता था एंड और बहुत सारे थे जो तो मेरे से भी ज्यादा चार्ज करते थे कुछ मेरे से कम भी चार्ज करते थे तो सबकी अपनी अपनी जो वैल्यू एडिशन है उसके हिसाब से टू तो चार्ज तो अगर मेरे पास सौ बच्चे जिन्हें मैं पढ़ाता था, था और एक हजार वो देते थे तो मैं एक एक लाख रुपये मैं उस टाइम से कमा रहा हूँ मतलब सत्रह अठारह साल की उम्र से मैंने कमाना शुरू कर दिया उसके बाद मैंने मल्टीपल क्योंकि आ, पैसिव इनकम का कंसेप्ट काफी ज्यादा क्लियर था तो बहुत सारे ट्रेनर्स भी अपने साथ रखे ट्रेनर्स पढ़ाते थे हम 50 50 में 60 40 में 70 30 में अलग अलग रेशियोज़ में काम करते थे टीचर्स के साथ एंड uh, मैं काम नहीं भी करता था तब भी मैं पैसे कमाता था एंड uh, उससे हुआ क्या एक तो मैं काम नहीं करता था मैं पैसे कमाता था मुझे टाइम भी मिला थोड़ा सा तो मैंने उसी टाइम में स्कूल्स में hmm. कॉलेज़ में ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया मेरे को आज भी याद है मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग देने गया था जब मैं खुद फर्स्ट ईयर में था एंड मेरे सामने फाइनल ईयर के बच्चे बैठे हुए थे एंड आई कैन नेम द कॉलेज ऑल्सो बट मैं बता देता हूँ तो